प्रेम जाल में फंसकर महिला ने करवाई हत्या। घटना परसबिगहा थाना क्षेत्र के ग्राम खेरा की है, जहां एक महिला ने अपने प्रेमी को फोन करके अपने पास बुलाया और मौका पाते परिजनों ने लाठी डंडे से पीट कर उसे मौत की नींद सुला दिया। प्रेम की इतनी दीवानगी कि महिला के बुलावे पर युवक जा पहुंचा प्रेमिका के पास, जहां महिला के परिजनों ने लाठी डंडे से बेरहमी से पीट कर सुलाया उसे मौत की नींद। प्राप्त जानकारी के अनुसार परसबिगहा थाना क्षेत्र के ग्राम गोपालपुर निवासी विनेश्वर पासवान, जिसकी उम्र करीबन 30 वर्ष थी, बीते शनिवार की शाम खाना खाने के उपरांत एक महिला के फोन पर मिलने बुलाने पर महिला के घर जा पहुंचा। जैसे युवक महिला के घर में दाखिल होता है, वैसे ही महिला के परिजनों ने युवक को लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके कारण युवक की मौत हो गई। वहीं मारपीट की सूचना मिलते ही विनेश्वर पासवान के परिजन जब महिला के गांव खेरा पहुंचे तो पाया कि युवक मृत पड़ा है। घटना की सूचना पाकर परसबिगहा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जहानाबाद भेज दिया। वहीं मृतक के भाई रंगू पासवान ने बताया कि मेरा भाई बीते शाम करीब 7:30 बजे खाना खाने के दौरान किसी महिला के फ़ोन पर बुलाने पर चला गया था, परंतु रात में किसी ने फ़ोन पर मुझे बताया कि आपके भाई के साथ बुरी तरह से मारपीट की जा रही है। घटना की सूचना पाकर मौके पर ग्राम खेरा निवासी धर्मपाल के आंगन में गया तो देखा कि मेरा भाई मृत पड़ा है। भाई की लाठी डंडे से बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि घटना की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम हेतु जहानाबाद भेजा तथा अग्रतर कार्रवाई करते हुए महिला बेलमंती देवी तथा एक पुरुष सुधेश्वर पाल को गिरफ्तार कर जहानाबाद न्यायालय भेज दिया गया है तथा जाँच प्रारंभ कर दी गई है। शाम के 7 बजे खाना खा के घर से भाई हमारा निकल गया, फोन करके बुलाया था। के बुलाया था? बुलाया था लेट एज। अच्छा, उसके बाद क्या आप लोग को सूचना मिली? सूचना फिर मिला कि तुम्हारा भाई के यहाँ मारपीट कर रहा है। अच्छा, तो हम लोग यहाँ से घर तो गए तो अगला में मार गई कर ले। अच्छा, मारना ही था मतलब मारते मारते जान मार दिया है। मार दिया है जान। तो पहले से आप लोग का कोई विवाद चल रहा था? नहीं सर, कोई बात नहीं था। कौन गांव की ये घटना है? गोपालपुर गांव में पड़ता है, खैरा गांव में हुआ कहानी। अच्छा, इनको खैरा गांव में बुला करके मारा गया है। तो मतलब उस महिला से इनका पहले से भी कोई संबंध था? नहीं, कोई संबंध नहीं था। अचानक फोन आया था। क्या नाम है इनका? विनेश्वर पासवान। उम्र? उम्र 30 हो रहा है। आपका क्या नाम हुआ? कल्लू पासवान। तो क्या हत्या का वजह क्या लग रहा है? हत्या का वजह फोन पे बुलाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखे कि अगला मार के कुछ और कर ले। किसके आंगन में मिला है लाश? लाश मिला है किसके आंगन में लाश मिला है? धर्मपाल के। धर्मपाल के। आपका क्या नाम हुआ? कल्लू पासवान।